पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में राज्यसभा सांसद ये हमारे बीच में पहुंचे हैं। को आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अभिनंदन समारोह में विशेष रूप से आप लोगों के बीच आए हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा एल्विस से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। एल्विस माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अभिनंदन समारोह में पहुंचने पर अपने इस नौजवान साथी एल्विस यादव को और मैंने मेरा पांड्या के एल्विस यादव को आप राव साहब कहते हैं ना भाई, अपने इस राव साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना इसके लिए, बहुत शुभकामना। हरियाणा में प्रतिभाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत है। अरे फिर मेरे रुपये खो गए जाओगे, डब्बा लिया सारा कैश ले। कैसे हो सारे, ठीक हो? 30 दिन बाद आया मैं बाहर, है थोड़ी भाई की चिंता। हाँ कर दिया सिस्टम हैंग। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे लिए इस मीटअप के लिए। पिछली बारी मैं मौजूद नहीं था रोहिणी में जो हमारा मीटअप हुआ था, पीछे हो जाओ हट जाओ, उसकी कमी आज आप लोगों ने पूरी कर दी। और इस अभिनंदन समारोह में अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां से मिला, इन्होंने मेरा जोश दोगुना कर दिया। मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ सर, तो इन्होंने खुद से बोला कि जरूर आऊंगा मैं भी। मैंने एक छोटा सा पूछा था कि सर आ जाओगे आप, इन्होंने एक बारी में बोला कि मैं जरूर आऊंगा। और काफी दिक्कतें थी परमिशन की, और मैं जिस वजह से 30 दिन गायब था और जो ट्रॉफी जीत के लाया, मतलब आप लोगों की ट्रॉफी है, मैं अपने साथ भी लाया हूँ एक बारी। ये ट्रॉफी जो एल्विस भाई को मिली है, ये एल्विस भाई को देते हुए मैं इनको कहता हूँ, ये जनता को समर्पित करें, इन युवाओं को समर्पित करें, ये ट्रॉफी आज से युवाओं की। बहुत बहुत धन्यवाद। एल्विस के माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एल्विस को सम्मानित किया है, वो ट्रॉफी जो अभिनंदन किया जा रहा है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे एल्विस को आशीर्वाद स्वरूप एक शॉल भेंट करें। तो सर माता पिता द्वारा भेंट किया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे। हम एल्विस यादव को उस दिन देंगे एक विशेष सम्मान देंगे, और इस नाते से मैं आप युवकों से भी एक अपेक्षा करता हूँ, इस देश को आगे बढ़ाने में आपको अपने आप को संभालना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा,
और युवकों का भाई बता तो पड़ेगा आंसर ऑन योर नंबर हाथ तो रखे हो तू हर जगह से अब मैं भाई सुनो मैं ये चाहता हूँ ये सब भी भाइयों में तो भाई क्या हाल है सबके भाई सारे भाइयों आ जाओ फटाफट ग्राउंड में थोड़ा थोड़ा सेफ्टी से रहना है सबको पीछे पीछे की तरफ रहना है जितने भी एक एक को गले लगने का मन है पर थोड़ा सेफ्टी से पीछे पीछे होके रहो बहुत जगह है ग्राउंड देखो कितना बड़ा है समझ रहे हो बहुत बड़ा ग्राउंड है इसको भर दो यार दोस्त हैं सबको बुला लो भर दो इसको बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जितनी भी हमारी जनता है जितने भी हमारे भाई लोग हैं भाई एक एक को दिल से थैंक यू ट्रॉफी आ गई फाइनली हमने सोचा ना था कि तुम कितना प्यार दिखाओगे पर भाई तुमने तो सिस्टम हैंग कर दिया है थैंक यू सो मच और आज कोई बदमाशी नहीं बिल्कुल आराम से प्रोग्राम को एंजॉय करना है ठीक है ना बड़े भाई की तो जिसने हरियाणा के युवा को पूरी दुनिया में ये बता दिया है कि बिग बॉस जीतने वाला एकमात्र युवा हरियाणा का इतनी छोटी उम्र का हो सकता है इसलिए एल्विस के लिए बोलिए सिस्टम सिस्टम एल्विस आ जा छा जा अब सारे जने से किलकी मार दोगे तो एक गाना एल्विस भाई मेरी तरफ से सुनाएगा।